नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। जिस तरह से दुनिया बदल रही है, ठीक वैसी ही बात करने का तरीका और हथियार भी बदल रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया एक ताकत बन चुका है और आप कहीं हो, अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो तुरंत लाखों किलोमीटर दूर बैठे शख्स से आप बात कर सकते हैं या आपको कोई समस्या है तो मदद तुरंत मिल सकती है और इसी पर किसी भी तरह का समाधान भी खोजा जा सकता है। और आजकल कश्मीर को लेकर बिलबिलाए पाकिस्तान और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान यही कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी गाली और लात पड़ रही है कि इमरान खान और पाकिस्तानी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमेशा से अपनी बेबाक राय रखने वाले गीतकार और राइटर जावेद अख्तर के निशाने पर इमरान खान आ गए हैं। फिर क्या, अपनी बातों से जावेद अख्तर ने इमरान खान की खूब गिरा गिरा कर धुलाई की। दरअसल आप और हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से ही पाकिस्तान बुरी तरह बौखलाया हुआ है और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के सियासी दल और नेता तमाम उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने एक ऐसा ही ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार पर देश का ताना बाना छिन्न भिन्न करने का आरोप लगाया, जिसका जावेद अख्तर ने ऐसा जवाब दिया कि ट्विटर पर उन्हें खूब वाहवाही मिल रही है। वहीं जावेद के इस जवाब को ऋषि कपूर ने भी सपोर्ट किया। पाक पीएम इमरान खान ने अपने ट्वीट में मोदी सरकार को हिंदूवादी विचारधारा का पोषक बताते हुए लिखा कि मोदी सरकार पाकिस्तान के लिए तो खतरा है ही, साथ ही साथ भारत में अल्पसंख्यकों और नेहरू गांधी के ताने बाने के लिए भी एक खतरा है। आरएसएस बीजेपी के संस्थापकों की नाजी विचारधारा और नरसंहार के जरिए नैतिक सफाई के बीच संबंध समझने के लिए बस गूगल कीजिए। पाक पीएम के इस छटपटाहट भरे ट्वीट का जवाब जावेद अख्तर ने माकूल और मुकम्मल तौर से दिया। जावेद अख्तर ने हंसी का इस्तेमाल करते हुए लिखा, प्रिय इमरान खान, मुझे नेहरू गांधी के भारत को लेकर आपको फिक्रमंद देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा। वैसे ये नेहरू गांधी का वही फैब्रिक है जिसे आपके कायदे आजम ने 1947 में तार तार किया था, आपको याद है। इसके बाद जावेद अख्तर ने भारतीय अल्पसंख्यकों को लेकर इमरान खान की चिंता पर तंज कसते हुए कहा, इमरान साहब, मैं कृतज्ञ होऊंगा अगर मैं भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए आपकी चिंता के लिए आपका आभार जाहिर नहीं करता। मेरे लिए ये बात कल्पना से भी परे है कि आप अपने देश के हिंदू, ईसाई, अहमदिया, मुहाजिर और बलोच लोगों की काफी परवाह करते हैं और उनके प्रति आपका रवैया सुरक्षात्मक रहता है। जावेद अख्तर के इस दिलचस्प जवाब ने इंटरनेट पर तमाम लोगों के दिल जीत लिए हैं। कई लोगों ने जावेद अख्तर की निष्पक्ष राय रखने के अंदाज की तारीफ की। अभिनेता ऋषि कपूर ने भी जावेद अख्तर के इस जवाब को रिट्वीट करते हुए यो लिखा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जावेद अख्तर का यह जवाब ढोंग लगता है, मगर अधिकांश लोगों ने जावेद अख्तर को सराहा। तमाम लोगों ने लिखा है कि भले ही हमारी विचारधारा भिन्न हो, मगर जब बात देश की आती है तो हमारी सोच एक ही है। शुक्रिया चेयरमैन साहब। अच्छा वक्त, बुरा वक्त, कैसा भी वक्त हो, गुजर जाता है। तो ये 6 साल भी गुजर गए और ऐसे गुजरे के लगा कि मैंने 6 बार आंखें झपकाई हैं, इतनी तेज़ी से निकल गए। लेकिन इस तेज़ी में भी जो कुछ देखने को मुझे मिला वो मैं ज़िंदगी भर अपने दिल में, अपने जहन में संभाल के रखूँगा, वो बड़ी कीमती चीज़ है। मैंने यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस श्री अरुण जेटली की स्कॉलरली स्पीचेस सुनी। मैंने यहाँ चिदंबरम साहब और कपिल सिब्बल साहब का इनके साथ डिबेट सुनी। मैंने यहाँ बिंद्रा करात और सीताराम येचुरी की पैशनेट और लॉजिकल तकरीरें सुनी। मैंने यहाँ श्री रविशंकर प्रसाद के विट को देखा। यहाँ राम गोपाल यादव साहब जो सख्त से सख्त बात नर्म से नर्म लहजे में कह सकते हैं, उनकी बातें सुनी। और भी सुनता, लेकिन मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। मजाज उर्दू के एक बहुत बड़े शायर थे और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत मशहूर था। तो कश्मीर गए तो पहली बार किसी मुशायरे में, तो वहाँ किसी ने पूछा कि मजाज साहब, आप पहली बार आए, यहाँ के कुदरती नज़ारे देखे आप, कैसे लगे? कहले, भाई बहुत अच्छे लगे, और ये बीच में पहाड़ वहाड़ आ गए वरना और भी दिखाई देते। तो यही कह सकता हूँ कि
कि बीच में बहुत सारे एडजॉर्नमेंट आ गए थे, वरना और भी तकरीरें सुन लेता, लेकिन खैर जितना सुना वो भी काफी था। अब क्या फायदा, मैं तो आपकी तारीफ कर चुका हूं। जब ना रहे तो बेहतर जी। यहां जब मैं आया था तो एक खास मकसद, एक खास लक्ष्य लेके आया था। कुछ राइटर्स की, कंपोजर्स के प्रॉब्लम थे इस मुल्क में कॉपीराइट के, और वही दुख लेके मैं आया था। मैं सोनिया जी से मिला अपने साथियों के साथ, उन्होंने हमें मनमोहन सिंह जी के पास भेजा, उन्होंने भी सुना तो उन पर भी उतना ही असर हुआ जितना सोनिया जी पे हुआ था। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि देखिए हम आपका साथ ज़रूर देंगे, लेकिन आप अपोजिशन से, खासतौर से बीजेपी से बात कर लीजिए, उनके बगैर आपका काम नहीं हो पाए। तो हम अरुण जेटली साहब के पास गए और मुझे थोड़ी हैरत भी हुई, खुशी भी हुई कि बहुत हद तक तो हमारा प्रॉब्लम जानते ही थे, लेकिन थोड़ी डिटेल हमने और दी। और जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया उस दिन, मुझे मालूम हुआ कि ये काम हो जाएगा। लेकिन ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी मनमोहन जी की, कि उन्होंने कहा कि अपोजिशन से कर लीजिए, उनके बगैर नहीं होगा। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सरकारें तो उन मुल्कों में भी होती हैं जहाँ डिक्टेटरशिप है, सरकारें तो वहाँ भी होती हैं जहाँ शेखडम से बादशाहते, लेकिन डेमोक्रेसी में और इन हुकूमतों में फ़र्क क्या है? वहाँ सिर्फ सरकार होती है, यहाँ सरकार और अपोजिशन दोनों होते हैं। और सही किसी ने कहा है कि चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, कि खुशबू और रंग से मिलके चमन में बात बनती है। चमन में इख्तलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। देखिए क्या है कि हम बड़े खुशकिस्मत लोग, और हम शिकायतें तो करते रहते हैं हुकूमतों से भी और देश से भी और समाज से भी, लेकिन जो हमारे पास है उसका शुक्रिया हम अदा नहीं करते जितना हमें करना चाहिए, और जितना उसका एहसान मानना चाहिए उतना हम मानते नहीं। और वो है हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ज़रा नज़र उठा के देखिए, यहाँ से चलेंगे तो दूसरी डेमोक्रेसी आपको मेडिटेरियन कोस्ट पे मिलती है। वो क्या बात है, वो क्या ताकत है हमारी जो हमें यहाँ मिलती है। और ये संविधान हमें डेमोक्रेसी देता, लेकिन डेमोक्रेसी ये याद रखिए बगैर सेकुलरिज्म के नहीं हो सकती। ये वो मुल्क हैं जिनमें सेकुलरिज्म नहीं, और इसीलिए डेमोक्रेसी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा जिस बारे में लोगों की राय होगी, जिस तरफ अक्सरियत होगी, जिस तरफ मेजॉरिटी होगी वो बात मानी जाएगी, जिस तरफ माइनॉरिटी होगी वो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन डेमोक्रेसी ये मान के चलती है कि ये मेजॉरिटी और ये माइनॉरिटी परमानेंट नहीं है, यह हर इशू पे बदलेगी। अगर कोई ऐसी परिभाषा बना दी जाए, अगर कोई ऐसी डेफिनेशन बना दी जाए मेजॉरिटी की और माइनॉरिटी की जो परमानेंट है, तो फिर डेमोक्रेसी तो उसी दिन खत्म हो गई। हम अगर सेकुलरिज्म की बात करें, हम अगर सेकुलरिज्म को बचाने की कोशिश करें, तो किसी एक वर्ग या दूसरे वर्ग पे कोई एहसान नहीं कर रहा। हमको सेकुलरिज्म इसलिए बचाना होगा कि इसके बगैर डेमोक्रेसी ही नहीं बन सकती। लेकिन मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि हमारे देश में बहुत बड़ा अचीवमेंट, हमारे बहुत से अचीवमेंट, हम जब आज़ाद हुए तो शायद सुई बनाने के काबिल नहीं थे, आज हम एक इंडस्ट्रियल कंट्री हैं, बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं हमारे, शायद इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन जितने हुए वो भी बहुत। लेकिन सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि हमने अपनी ज़मीन की धरती में जनतंत्र को उतार दिया, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि उखड़ नहीं सकती है, ये मुमकिन नहीं। ये बहुत बड़ा तोहफा है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। और एक तरफ ये डेमोक्रेसी, एक तरफ ये कमाल का संविधान, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क, एक ऐसी आबादी जिसमें
50% लोग जो हैं वो 27 साल की उम्र से नीचे, जहां 35 करोड़ लोग यंग हैं, 10 साल और 25 साल के बीच में। ये एक यंग मुल्क है, इतनी एनर्जी है इसके पास, इसके पास अच्छा कानून है, इसके पास एनर्जी है, इसके पास इल्म है, टैलेंट है। पहले बार है, मैं ऐसा मानता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं हिंदुस्तानी हूँ,